हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीसेफ एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। डियर स्टूडेंट, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स आर दैट नंबर्स व्हिच इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल टू द अदर नंबर्स विच कैन बी डिवाइड। मीन्स स्मॉल नंबर होता है, मीन्स अगर हम कहें कि अगर 40 ये 12 अगर कोई नंबर लेते हैं, तो अगर हम कहेंगे कि इसके मल्टीपल्स की अगर बात करेंगे तो 12 का मल्टीपल्स कौन कौन हो सकते हैं, तो टेबल पढ़ लीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 16, ऐसे आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सब जितने भी ये नंबर है, सब ये क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 12 है। ठीक है, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई, ये सब नंबर 12 से मल्टीप्लाई करने पर आएंगे। जैसे 12 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 12 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एंड सो ऑन। तो आपको अगर इसका एलसीएम किसी नंबर का कैलकुलेट करना है तो वो मैक्सिमम नंबर होता है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। तो अगर हम दो नंबर लेते हैं तो सबसे पहले जो मेथड है, हम मेथड का डिस्कस करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि आप इसका एक एक करके आप इसका मल्टीपल्स निकालेंगे। जैसे अगर हम कोई नंबर ले रहे हैं, एग्जांपल आप अपने बुक में ही भी देखिए, एग्जांपल देखिए, मैं फर्स्ट ले रहा हूं, कह रहा कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 एंड 30, फाइंड द एलसीएम ऑफ 40 एंड 30। ठीक है, आप अपने बुक को भी ओपन करके आप उसमें देखिए कैसे किया गया। अब इसमें निकालेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 40, प्राइम यहां से सॉल्यूशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ 40। तो 40 का कौन कौन सा फैक्टर हो सकता है, वो जिस नंबर से ये डिवाइड हो जाए, यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करते हैं तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे तरीके से आप कैसे चेक कर सकते हैं इसको, आप ऐसे कर सकते हैं, 40 है तो 2 20, फिर 2 10, फिर 2 5, फिर 5 1, यानी कि इसके यही इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर का प्राइम फैक्टर्स, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 30, तो 30 का भी ले लीजिए, तो 30 का भी ऐसे ही निकाल लीजिए, 215 3551, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ध्यान से आप देखेंगे केयरफुली, इसमें इसमें कॉमन क्या है, 2 2, और कॉमन क्या है, 5 और 5 कॉमन है। ये देखिए, ये कॉमन है इसमें, तो जो कॉमन है आप उसी को क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो ये प्राइम कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे, प्राइम कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 2 एंड 5। देखिए 2 और 5 इसमें कॉमन फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, अब क्या कि कौन सा कॉमन नहीं हुआ है, तो ये 2, ये 2 और ये 3। ठीक, तो इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
जो कॉमन होता है अलग निकाल लेते हैं और जो नहीं कॉमन है उसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ रिमेन प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो कॉमन नहीं है उनका मल्टीप्लाई और जो कॉमन है उनका मल्टीप्लाई। तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई जो कॉमन नहीं है 2, 2 और 2, जो सर्कल नहीं किए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि इसका कितना आ गया 120, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बता दिए, ऐसे किनारे करके आप रफ पर ऐसे निकाल लीजिएगा। एक्चुअली ये जो बताएं ये डिवीजन मेथड है, इस तरह से आप डिवीजन मेथड्स का क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जो डिवीजन वाला देखिए इधर दिया हुआ है, डिवीजन मेथड से आप डिवीजन मेथड से ऐसे ही सॉल्व करेंगे किसी भी। तो डिवीजन मेथड में क्या है कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का अलग अलग नंबर से किया है। जब हम डिवीजन मेथड्स की बात करेंगे डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड जब डिवीजन मेथड की बात करेंगे तो डिवीजन मेथड में जितने भी नंबर हो आप एक साथ उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। मतलब कि अगर एग्जांपल लें 8, 24, 40, अगर हमको इतने तीन नंबर हैं, तीनों नंबर को हमको एलसीएम लेना है तो हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन किस मेथड का यूज करना है हमको, तो डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो ऐसे कर लेंगे, कौन कौन से नंबर हैं 8, 24 और 40। अब इसमें सबसे लोएस्ट नंबर से आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 4 जा 8, 2 12 जा 24 और 2 20 40 हो गया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक ये 2 से कटता रहेगा तब तक 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। फिर देखिए 2 से ये कट जाएंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब देखिए अब कोई भी नंबर 2 से नहीं डिवाइड होगा, अब 3 सबसे छोटा है तो 3 1 जा 3 हो गया, अब 5 बचा। फिर लास्ट में अब किससे होगा 5 से 1 1 और लास्ट में 5 1 जा 5। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, जितने नंबर रहेंगे सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 3 जा 120, तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो ये डिवीजन मेथड है, आप इस मेथड का यूज करेंगे और अपना जो एक्सरसाइज है 7.3 आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, दोनों मेथड बताया, दोनों मेथड से आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।